अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं एक और एजुकेटर की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें पोस्टिंग अवेलेबल है प्रिंसिपल के लिए, सेक्शन हेड के लिए और सब्जेक्ट सब स्पेशलिस्ट के लिए, प्री स्कूल टीचर के लिए, आर्ट ड्राइंग टीचर के लिए, फिजिक्स एजुकेशन इसके लिए और इसके साथ साथ नाजरा कुरान के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो आपने अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, उसकी डिटेल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो करते हैं इस वीडियो की डिटेल को के बारे में, इसके बारे में। तो ये पोस्टिंग अवेलेबल है जिसमें प्रिंसिपल की जो पोस्ट है इसकी एक है, मेल या फीमेल कोई भी होना चाहिए, और इसकी एज लिमिट जो है आपके सामने है 58 ईयर्स ओल्ड, और इसके साथ साथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। और फीमेल की दो सीट्स हैं जिसमें एक प्राइमरी के लिए है, एक प्राइमरी से अबव के लिए है। तो इसकी भी एज लिमिट 45 ईयर्स है, और दूसरे की भी जो नीचे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसकी 40 ईयर्स है। तो अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए आपने अपनी जो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आप अप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, शनाख्ती कार्ड, आई डी कार्ड, जो आपकी तालीमी काबिलियत है उसकी कापीज़, और इसके साथ साथ आपने अपनी जो सीवी है डिटेल्ड सीवी, वो भी आपने इस के एड्रेस पे जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उस पर आपने सेंड करनी है। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ जो है वो आपने हैंड रिटन जो एप्लीकेशन है वो आपने इस प्रिंसिपल जो चेयरमैन SKK ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज मुजफ्फरगढ़ यानी मोहम्मद अब्बास, ठीक है, बाखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट SSK ट्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने दरखास्त का आगाज़ करना है, और उसमें आपने अपनी अपने बारे में डिटेल देनी है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट से पता चला था तो इसलिए मैंने फलां फलां पोस्ट में अप्लाई करना है। तो आपने वो चीज़ें आपने कि इस इधर बता देनी है, वरना अगर आपको नहीं लिखने आ रही तो आप किसी भी जो कंप्यूटर शॉप है, आप जहाँ पे फोटो स्टेट होती है तो आप CV वगैरह बनाते हैं तो आप उनसे जाके लिखवा सकते हैं, तो वो आपको लिख देंगे। आपने टॉपिक बता देना है और उनको इसकी डिटेल दे देनी है तो वो खुद ब खुद आपको लिख देंगे। तो आपने इसको देना है, तो इसमें जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वर्किंग स्टाफ के लिए वो 5 साल की है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो सकती है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपने जो इनवेलप होगा आपका जो जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के आपने इस एड्रेस पे के ऊपर सेंड करनी है, तो आपने उस पर अपनी पोस्ट को क्लियरली मेंशन करना है जो जिस पोस्ट में आपने अप्लाई करना है। तो इसमें आपका एक इंट्री टेस्ट भी होगा जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं, तो उसमें आपको इंट्री टेस्ट होगा एक किस्म का, तो वो उसका जो फ्लो होगा बिल्कुल NTS और GAT की तरह का होगा, जिसमें 20 मार्क्स होंगे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, और 20 मार्क्स जो होंगे 20 मार्क्स, ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग के 20 मार्क्स होंगे, एनालिटिकल के भी 20 मार्क्स होंगे, और क्वांटिटेटिव के भी 40 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स होंगे, और इसके साथ साथ पैडागोजीज के भी 10 मार्क्स होंगे, दोनों के यानी सबके मिला के 100 मार्क्स होंगे आपके। तो उसके बेस के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। तो आपने इसमें आपकी जो ये जो है कंट्रैक्ट बेस पे है, तकरीबन आपको 3 साल का कंट्रैक्ट मिलेगा, और आपकी कारकर्दगी अच्छी रही तो भी आगे भी बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ डेरा गाजी खान से बिलोंग रखने वाले, डिवीजन डेरा गाजी खान से बिलोंग रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने आपको ये एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपने चले जाना है एक वेबसाइट पर जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, rozigo.com। तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइटल से एक पोस्ट होगी, आपने इससे इसमें आगे इसकी जो डिटेल्स हैं उसको रीड कर लेना है, और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 10 जून है। तो इसके बाद इसमें और भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं आपके सामने, तो आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।